स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं HP सेट का पार्ट वन पेपर वन, जर्नल पेपर एंड टीचिंग एंड जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर वन। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सीरीज ए का ये पेपर है 2017 का HP सेट का। और इसके बाद जो अगले क्वेश्चन पेपर है इसके, जैसे पेपर टू और थ्री जो अलग अलग सब्जेक्ट के हो गए, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके उनके, वो हम आपको लेकर आएंगे इस चैनल के जरिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हिम नॉलेज को। आपको जो भी, आप जहाँ से भी हो, आपके स्टेट के जो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो हम आपके लिए इस चैनल पर लाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये पार्ट है वन, पेपर वन है, जन है पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इसके लिए आपको ये 1.5 घंटे का टाइम मिलता है और पूरी जो जानकारी आपको हम अलग से दे देंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शोधकर्ता एक आबादी को स्नातकोत्तर, स्नातक और 10+2 पास छात्रों को बांटता है और यादृच्छित अंकों को तालिका का उपयोग करके उनमें से कुछ को चुनता है। इस तकनीक को तौर पर क्या कहेंगे, इसे तकनीकी तौर पर क्या कहेंगे, ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर था, क्वेश्चन को आप खुद पढ़िएगा, अगर कुछ मिस्टेक होती है पढ़ने में तो, प्रतिनिधि नमूना ये बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था आपके लिए आया हुआ इसमें HP सेट में कि एक शोधकर्ता अपनी आबादी को कुछ समूह में विभाजित करता है, प्रत्येक समूह के प्रत्येक नमूने को के आकार को निर्धारित करता है, ये क्या कहलाता है। तो इसका जो क्लस्टर नमूना था ये बिल्कुल सही है, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फील्ड अध्ययन किससे संबंधित है, ये आपको बताना था। फील्ड अध्ययन जो है ये किससे संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है और इसको आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वास्तविक जीवन परिस्थितियों से बिल्कुल सही है। अगले जो इंग्लिश में है ये आपको, अगर जो लोग देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। तो बैंकिंग के बारे में पूछा हुआ है इसमें आपसे और ये क्वेश्चन आपकी आ रहा है, ठीक है। वायरल कौन सी में से वायरल बीमारी नहीं है और भारत की जनगणना 10 साल के बाद की जाती है, तो इनमें से कौन सी तकनीक यूज की जाती है, तो आपको वो बताने थे। ये क्वेश्चन इंग्लिश के आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, वस्तुओं घटना और चीज़ों के गुण जो मापे जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है, ये आपको बताना था। वस्तुएं घटना और चीज़ों के जो गुण मापे जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी था, चर वेरिएबल, ये बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपको आया था, बैंकिंग में ATM को क्या कहते हैं, ये आपको बताना था और ATM की फुल फॉर्म सभी को आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी एक वायरल बीमारी है या वायरल बीमारी नहीं है, ये पूछा गया था आपसे। वायरल मीन्स की जो फैलती है, ठीक है, जिस प्रकार से आपके व्हाट्सएप के मैसेज अगर कोई वायरल हो गया या कभी पिक्स वायरल होगी या ये वीडियो वायरल होगी, तो वायरल होती मीन्स की फैलती है। तो ABCD इनमें से आपको क्या लगता है जो वायरल बीमारी जो फैलती है, चिकन पॉक्स ये फैलता है, HIV एड्स फैलता है, हर्पिस ये फैलता है, और इसका जो बी है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 था, भारत सरकार प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना आयोजित करती है, इस प्रक्रिया में प्रयुक्त अनुसंधान की विधि क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास है, हाथ में पड़ा हुआ है अभी और PDF आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसका जो सर्वे अभी ये बिल्कुल सही होगा। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन आए थे, एक्सपेक्टो क्या है और इंग्लिश के लिए जो भी इंग्लिश वाले वो आप देख सकते हैं, और किलोवाट में कितने बाइट्स होते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। जो क्वेश्चन अगला था हिंदी के लिए, हिंदी में आपको हम बता रहे तो हिंदी में ही आपको बताएंगे। एक शैक्षणिक संघ अपने काम की प्रकृति और भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुआ, इस तरह की गोष्ठी को किस रूप से जाना जाता है, क्वेश्चन को आप समझिएगा, पढ़ सकते हैं अभी कि एक शिक्षक संघ अपने काम की प्रकृति और भविष्य की योजनाओं के लिए इकट्ठा हुआ है, इस तरह की गोष्ठी को किस रूप से जाना जा सकता है, तो इसका जो सम्मेलन है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब है, ये आपको बताना था। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब है, तो इसका जो घटना के बाद ये अनुसंधान किया जाता है, एक्स फैक्टो रिसर्च। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं और 100 में से 50% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये किया था डी इसका, परंतु ये डी जो है बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि इसमें MB और KB जो आप इंटरनेट चलाते हैं वो नहीं पूछ रहे थे, बाइट्स आप देख रहे होंगे, KB को किलो बाइट्स कहते हैं, ठीक है,
तो वो आपसे नहीं पूछा गया था कि के बी को ये पूछते हैं, इसमें पूछा गया था एक किलो, जो किलो वजन होता है या आप मापन में यूज़ करते हैं, तो उसका पूछा गया था कि एक किलो में कितने ग्राम होते हैं, आपको उस प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो इसका जो सी 1000 भी बिल्कुल सही था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, इसलिए हम आपको ये जानकारी स्पष्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन था ऑल इंडिया रेडियो फॉर ब्रॉडकास्टिंग वाज नेम्ड इन द एयर, ये आपको पूछे गए थे क्वेश्चन, और क्योंकि हम हिंदी में बता रहे तो इसलिए आपको हिंदी में बताएंगे। तो अखिल भारतीय रेडियो कब प्रसारित किया गया पहली बार या नामांकित किया गया, तो ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1936 में, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जब दो या दो से अधिक अनुक्रामिक पदलेख एक ही काम को संदर्भ करते तो इनमें से कौन सी भाव का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 था, और इसका जो एविड है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, तत्काल आवेदन करने का लक्ष्य ये संधान है, तो ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 13 का जो क्रिया अनुसंधान है ये बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था कि टीवी की जो टीआरपी कहते हैं, जिसको न्यूज़ के लिए लगातार इसके लिए संघर्ष होता है और इसके लिए आपको गलत खबरें कई बार दिखाती है कि आपका जो ध्यान है वो आपकी ओर उनकी ओर आकर्षित किया जाए या इसी होड़ में लगी हुई है, तो इसके आपको टीआरपी की फुल फॉर्म पूछी थी, तो इसका जो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 15 था, कौन सी संख्या निम्नलिखित अनुक्रम में आती है, तो संख्याएं आपको दी हुई थी, तो इसका जो 72 था 56 के बाद ये आनी थी, और फिर उसके बाद एक आपको पैराग्राफ दिया गया था, तो पैराग्राफ हम आपको नहीं बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो था, पैराग्राफ जो अभी मैंने आपको दिखाया उसमें बताया हुआ था, वो पूरा एक पैरा दिया था, उसमें से फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अभी, जो सेट पहली बार देंगे उनके लिए हम आपको बता रहे हैं। तो एक पैरा आएगा आपको, ये क्वेश्चन नंबर 15 जो होगा, एक 16 जो पैरा होगा, इसमें आपको पैरा पढ़ के फिर आपको क्वेश्चन आएंगे और उनमें से आपको क्या लगता है ये आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये ब्लैक चेन आधारित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अनिवार्य रूप से योगदान करने की संभावना है, जिसमें भारत तकनीकी रूप से छलांग लगा सके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और इसका जो राइट आंसर था ये डी सभी है इसका, ठीक है, क्योंकि पैरा आपने नहीं पढ़ा इसलिए हम आपको ये जानकारी नहीं देना चाहते। और उसके बाद सेम फिर एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 17 था ये, कि एक घटना आधारित कार्यक्रम अल्फा गो प्रोग्राम के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ पेशावर गो खिलाड़ी ली सैंड्रोल को इंगित करता है कि, क्वेश्चन नंबर 17 का जो सी है बिल्कुल सही है, मनुष्य धीरे धीरे अपनी क्षमता खो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एलोन मस्क के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 18 था, एलोन मस्क के अनुसार चौथी औद्योगिक क्रांति का कौन सा घटक मानवता के लिए आवश्यक खतरा बना सकता है, ये आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर 18 था, और इसका जो कृत्रिम ये बुद्धि है, ये वृद्धि है बुद्धि, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चौथी औद्योगिक क्रांति की, क्योंकि ये पैराग्राफ जो हमने आपको बताया इससे ये क्वेश्चन आए थे, तो आपको ये नॉर्मली आप इसके लिए आप इसको हल कर लेंगे, क्योंकि जो पैरा आपने पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम होता है, तो उसी पैराग्राफ से आपको ये क्वेश्चन आएंगे, तो उसी पैराग्राफ से आपने करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 19 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में उत्पन्न होने वाली नई प्रौद्योगिकी इकाइयों को संभावित प्रभाव ये है कि, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 19 का जो डी है ये बिल्कुल सही है, डी मीन्स कि 1 और 3 बिल्कुल सही है। 1 क्या है, ये बेरोजगार लोगों के लिए संचय और आर्थिक संभावनाओं के साथ नौकरी की आवश्यकता के लिए आधुनिक नुकसान की ओर बढ़ेंगे, और जो इसका थर्ड था वो आपकी स्क्रीन पर है, इन तकनीकी को सामाजिक समानता को परेशान करने की संभावना है, तो ये क्वेश्चन था आपका। और ये महसूस किया जा रहा है कि स्वचालन, तो इनमें से आपको ऑप्शन दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 20 के, तो इसके आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि पैरा इसलिए हम आपको नहीं बताना चाहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडोप्टेड ऑन, तो ये आपको बताना था, तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, और हुआ अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ आदर जज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द, ये आपसे क्वेश्चन आया, जीरो वाज इन्वेटेड बाय
और इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन आए थे। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, आपके क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 21 है और ये आपको बताना था। तो इसका 26 जनवरी 1950 को ये भारतीय संविधान को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 का ए सही है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार हम आपको ब्रिटिश से रिलेटेड जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर है वही हम आपको इस चैनल पर ला रहे हैं बार बार। और हेमनोलॉजी पर अगर आप नहीं जुड़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ आपको बताना है। भारत में ये क्वेश्चन को छोड़िएगा, इसको हम बाद में करते हैं, आपको क्वेश्चन बताना है। अगर आपको आप ये सोच रहे हैं कि आपको बहुत कुछ जानकारी है तो आपको बताइए कि भारत में पहला या बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, ये आपको बताना है। बंगाल का गवर्नर कौन था, शायद इसमें ऑप्शन में भी उसका नाम नहीं है, वो आपको बताना है। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था वो आपको बताना है, वो भी आपको पता है तो आप सोचिएगा, नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। डेली हम आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर हिम नॉलेज पर लाते रहते हैं, तो हिम नॉलेज को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे वो आपको बताना था ब्रिटिश भारत के, ये आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है। और भारत के पहले वायसराय कौन थे ये भी आपको बताना था। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएंगे, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप इस चैनल पर जुड़िएगा, आपके लिए बहुत हेल्प होगी इसमें। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है, ये आपको बताना था। तो इसका जो राष्ट्रपति, ये बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बहुत ही आप जानते होंगे इसको, इस क्वेश्चन को आपको आता होगा, ये शून्य का आविष्कार किसने किया, तो आर्यभट्ट, ये बिल्कुल सही है। अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए कि बेलीगोंडा हिल्स जो पूर्वी घाट का हिस्सा है किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 25 है तो इसका आपको आंसर बताना था 25 का, तो आंध्र प्रदेश किसका, बिल्कुल सही था। अगला जो क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था वो था कि निम्नलिखित में कौन, यानी निम्नलिखित राज्य में कौन से राज्य की सबसे बड़ी संख्या के साथ सीमाएं साझा करता है, ये आपको बताना था। क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं खुद कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सीमाएं जो है उनको साझा करता है, या किस राज्य की सीमाएं दूसरे राज्य से ज़्यादा टच होती है, वो आपको बताना था। तो यूपी जो है इसकी, बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन था, क्रिकेट के अगर दीवाने IPL 2019 IPL 2019 आप देख रहे हैं तो उसमें भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या कोई नया रिकॉर्ड बनता है या कुछ भी होता है तो वो आपको पता हो। क्वेश्चन था क्रिकेट का बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जो बैट बनते हैं वो कौन सी लकड़ी के बनते हैं वो आपको बताना था। देवदार, साल, टेंक या पिलो, ये आपको बताना था। आपको अभी क्या लग रहा है अपने माइंड में रखिएगा, आप ये सोचिएगा कि आपका अभी सेट का एग्ज़ाम हो रहा है, सेट हो या नेट हो, नेट में सिर्फ ये होगा कि आपको नेशनल लेवल पर सब कुछ आएगा, और ऑप्शन आपको शायद आपने सुने भी नहीं होंगे क्योंकि सेट में भी उसी प्रकार से आते हैं, क्योंकि सेट के लिए जो है मैक्सिमम जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई करते हैं। जैसे हमने आपको जानकारी दी थी हिम तक यूट्यूब चैनल पर कि सेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यूपी, हरियाणा और अदर जो स्टेट है उन लोगों ने भी इसके लिए, हिमाचल सेट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उनके लिए भी शुभकामनाएं। तो बैट बनाने के लिए बेलों का प्रयोग किया जाता है। अब आपने GDP का नाम सुना होगा, रोजाना TV पर चर्चाएं होती है कि GDP, तो GDP होती क्या है, आपको ये बताना। तो क्वेश्चन नंबर 28, तो सकल घरेलू उत्पाद इसका बिल्कुल सही है, GDP का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगला क्वेश्चन था सिरका में शामिल है, ये आपको बताना था कौन शामिल है, सिरका में कौन सा अम्ल शामिल है, ये आपको बताना था। एस्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और मैथनोइक अम्ल, ये आपको बताना था। तो ये साइट्रिक जो है ये आपको कन्फ्यूजन कर देगा, बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये नींबू में होता है, ठीक है। और आपको बताना था 29 का आंसर, तो 29 का जो सिरका में शामिल है तो ये एस्टिक अम्ल, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 30, भारत में पहली टॉकी फिल्म कौन सी थी, टॉकी मीन्स की बोलने वाली फिल्म कौन सी थी, ठीक है, ये आपको बताना था। अब जो ऑप्शन है, आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी या चंडीदास, तो
इसका जो सही है वो आलम आरा, ये सबसे पहली बोलने वाली फिल्म थी। हरिश्चंद्र जो है, राजा हरिश्चंद्र, ये पहली फिल्म थी और मोक फिल्म थी ये। और जो आलम आरा है ये बिल्कुल इसमें आवाज़ वगैरह आपको दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर अगला था, सेंट्रल लैद रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? और एक वीडियो हम आपके लिए लाएंगे जिसमें जितनी भी इंस्टीट्यूट है भारत में उनके सभी के नाम और कौन सी इंस्टीट्यूट कौन से स्टेट में है, कौन से स्थान पर है, वो हम आपको जानकारी देंगे। तो वो भी आप देख सकते हैं इस चैनल पर। तो सबसे पहले जो पूछा गया था आपको, क्वेश्चन नंबर 31 था और क्वेश्चन था सेंट्रल लैदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो CLRI है ये किस राज्य में स्थित है? आपको क्या लगता है वो आपको बताना है। केरल है, तमिलनाडु है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है। आप अपने माइंड में रखिएगा भी आप, और मान लो कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है अभी सेट का और पेपर वन आप दे रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ गया कि सेंट्रल लैदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो फिर आप कौन से ऑप्शन पर टिक लगाओगे, कौन से ऑप्शन पर आप मार्क करोगे? तो इसका जो राइट आंसर था कि ये लैदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, आप जानते होगे इसको या आता होगा आपको कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये 2017 का क्वेश्चन पेपर सेट का हम आपको बता रहे हैं, पेपर वन। अगला क्वेश्चन था, मुरारी के पास कुल 210 रुपये में से 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे से के सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात 25.3.4 क्रम था, तो इनमें से 1 रुपये के कितने सिक्के थे आपको बताना था। जिनको टाइम चाहिए वो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पेन कॉपी अगर हाथ में है तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33 था, तो जिन लोगों ने इसको हल करना है वो वीडियो को रोक दीजिएगा, और जो लोग जिनको समझना है या जानना है वो क्या था इसका आंसर, तो 33 का जो राइट आंसर था वो 105 बिल्कुल सही था। ये मैथ के ये मान सकते हैं आपको इस प्रकार के आपको ये क्वेश्चन आए हुए थे। 5, 8, 2, 3 और 7, 9, 3, 5 के बीच सबसे बड़ा कौन सा है ये आपको बताना था। 34 क्वेश्चन नंबर है और इसका आपको बताना था, तो 7, 9 ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर अभी हाथ में है। और अगला क्वेश्चन था कि श्रृंखला में कौन सा विषम नंबर है ये आपको बताना था, तो ये नंबर आपको दिए हुए थे और इनमें से आपको फाइंड करना था, ढूंढना था या बताना था। तो 35 जो है इसका बी बिल्कुल सही है, 324 ये विषम नंबर है। अगला क्वेश्चन था, 1700 मिलीलीटर में कितने या कितने लीटर होते हैं ये आपको बताना था। 1700 मिलीलीटर में आपको कितने लीटर होती है ये आपको बताना था, ये आपकी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहे। क्वेश्चन नंबर 36 था और इसका आपको मैंने पहले ही बताया कि जो 1 किलो में होते 1000 ग्राम, 1700 ग्राम का कितना बना, 1.7 लीटर ये बन गया। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन था, कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे पूछा गया था। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें सब कुछ ऐड होता है, कंप्यूटर होगा, इकोनॉमिक्स होगी, हिस्ट्री होगी, पॉलिटिकल होगी, करंट अफेयर हो गए, तो सब कुछ इसमें ऐड होता है पेपर वन जो होता है। एमएस वर्ड में थीसॉरस टूल निम्न में के लिए प्रयुक्त किया जाता है, निम्न के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो इसमें से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर 37 का वो बी है, समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कंप्यूटर से ही था ये क्वेश्चन भी, निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 था और इसका आपको बताना था, कंट्रोल प्लस ए ये बिल्कुल सही है। कंट्रोल प्लस ए करोगे तो आप क्या होगा, आपका जो भी टेक्स्ट है वो ब्लू कलर में हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाता है सब कुछ। ठीक है, ये आपको पता होता है, परंतु उस टाइम जो क्वेश्चन आते हैं आपको आपकी स्क्रीन जो भी आप का अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, तो अभी सेट के लिए जो एग्ज़ाम है इसका हो सकता है ये ऑफलाइन होगा क्योंकि ये ऑफलाइन की जो वेबसाइट है उसी से अप्लाई किया गया। अगला क्वेश्चन था, आप गलती से सीट में एक रिकॉर्ड को हटा सकते हैं, इसे तुरंत बहाल करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जा सकता है ये आपको बताना था। मान लो कि आपका सब कुछ डिलीट हो गया तो फिर आपको अब उसको वापस लाना है तो क्या करना है, तो अंडू जो होता है कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, इसको आप करके कंट्रोल प्लस चैट या अंडू इसमें लिखा हुआ है, आपसे ये पूछा गया था कि आप अंडू कैसे कर सकते हैं, मीन्स कि आप वापस कैसे ला सकते हैं, तो कंट्रोल प्लस चैट इसकी शॉर्ट की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेट
पर कंप्यूटर की पहचान होती है, ये आपको बताना था। इंटरनेट के क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं आपको कि जो कंप्यूटर का इंटरनेट होता है उसकी पहचान होती है। ईमेल पता द्वारा, स्ट्रीट पता द्वारा, इनमें से कोई नहीं, आईपी पता जो पता द्वारा, ठीक है, आईपी जो एड्रेस होता है इसके द्वारा, तो ये आपको बताना तो ये आईपी जो है बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 40% का 5% कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था कि 5% का 40 कितना होगा या 40% कितना होगा, ये 5 का 40% कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर है 41 और 50 क्वेश्चन आज हम आपके इस चैनल पर ला रहे हैं। अगले पार्ट का आप इंतजार करिएगा, और अगर आप हिम नॉलेज पर नहीं है तो हिम नॉलेज को सब्सक्राइब करिएगा, पूरी जानकारी अगला क्वेश्चन पेपर हम उसी पर आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर था 41, 5 का 40% कितना होगा, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 41 का जो सी है बिल्कुल 2 ये होगा। अगला क्वेश्चन था आपको ये पूछा गया था ब्लड रिलेशन से, ठीक है, ए और बी भाई का बहन क्रम्स है, सी ए का पिता है और डी सी की बहन है, ई डी की माँ है और बी ई से कैसे संबंधित है, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 42 है और ये आपको वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा, आराम से सोचिएगा, थोड़ा सा प्रेशर अपने दिमाग पर आप बनाइएगा, उसके बाद भी अगर आपको पता नहीं लगता तो वीडियो को प्ले करिएगा, आपको ऑप्शन इसका मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर था क्वेश्चन नंबर 42 का वो था पोती, बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है, इनमें से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय या कौन सा राज्य विश्वविद्यालय इनमें से आपको बताना था, इसमें स्टेट यूनिवर्सिटी ही आपको पूछा गया था, तो ये यूनिवर्सिटी दी हुई है तो इनमें से आपको बताना था इनमें से कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय, आपको ये बताना था। तो 43 क्वेश्चन नंबर है और इसका जो राइट आंसर है मद्रास विश्वविद्यालय, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको आता होगा, ये क्वेश्चन नंबर 44 है, कथकली मोहिनीअट्टम और ओटम थल्लल प्रसिद्ध नृत्यकांकी है, ये आपको बताना। कथकली मोहिनीअट्टम और ओटम थल्लल प्रसिद्ध नृत्यकांकी है, ये कौन से स्टेट के, ये आपको बताना था। अब जो मैं होता या आप लोग होते तो आपको सिर्फ इसमें ही डाउट पड़ता, या फिर ये भी हो सकता था तमिलनाडु, परंतु इसका जो राइट आंसर है वो इनमें से जो है वो है केरला, ये केरला की है, ठीक है। मोहिनीअट्टम, कथकली और ओटम थल्लल ये केरला के है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 45 था, निम्नलिखित क्रियाओं में से कागज के निष्पादन में स्थाई का या स्याही का अवशोषण करने कौन सी क्रिया द्वारा किया जाता है, दर्शाती है। क्वेश्चन को आपको एक बार फिर बता देते हैं, निम्नलिखित क्रियाओं में से कागज के निष्पादन में स्याही का अवशोषण कौन सी क्रिया दर्शाती है, ये आपको बताना था, आप खुद पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 45 था और इसका जो राइट आंसर था ये कैपिलरी क्रिया की घटना जो है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, कैपिलरी क्रिया की घटना। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तन करना एक उदाहरण है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 46 आपको बताना था। जो शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करना एक उदाहरण है, ये आपको बताना था। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है वो आप हमें बता सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देंगे क्योंकि आपको इसका आंसर बताना है। और क्वेश्चन है 46 और 46 का जो राइट आंसर था वो था ये ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। आज का जो अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए होगा, तो एक इंसान का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, ये आपको बताना है। आप कहीं से भी इसको सर्च करिएगा और क्या इसका आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में आकर आप जहाँ मर्जी ढूंढो इसका आंसर, आपने कमेंट बॉक्स में नीचे डाउन में जाकर इसका कमेंट करना है और बताना है कि इनमें से राइट आंसर इसका क्या है। जो ये ब्लड प्रेशर होता है वो सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है, ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। ब्लड प्रेशर मीन्स कि ये रक्तचाप, और सामान्य पूछा हुआ है आपसे, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होना चाहिए और इसके आंसर जो है वो आपको देने हैं। तो इनमें से ए बी सी डी जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पोस्ट करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो ये भी
क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट या क्रिकेट का कौन सा सबसे पुराना टूर्नामेंट, तो इस प्रकार से स्पोर्ट्स से ये क्वेश्चन आए हुए थे। मैंने आपको हिस्ट्री के बताए, पॉलिटिकल के बताए, इकोनॉमिक्स के बताए, कंप्यूटर के बताए इसी क्वेश्चन पेपर में, और अब ये स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा या पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो ये विंबलडन बिल्कुल सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपको डायग्राम आया था 49 और जो 50 क्वेश्चन थे आपके, इसमें ये पूछे गए थे कि आपको संख्या दी हुई आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये जो संख्याएं आपकी स्क्रीन पर आ रही है इनको पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आर संस्थान, ये मैंने आपको डायग्राम पहले ऊपर दिखा दे इसका, ये बिल्कुल जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अच्छा, क्वेश्चन था 49, आर संस्थान में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, इसमें सब कुछ आपको बताया हुआ जो आपको ऊपर दिख रहा है। तो 49 का जो डी है बिल्कुल सही होगा। आप कैसे होगा इसको आप खुद पढ़िएगा और खुद आप तैयारी करिएगा अगर आपको पेपर वन निकालना है तो, नहीं तो बहुत से लोग ऐसे हो गए हजारों में से जो पेपर वन में ही बाहर हो जाते हैं। मिलते हैं इसकी जो आपको कट लिस्ट मिलती है या कट ऑफ जाती है वो आपकी जो ईमेल आईडी होती है उसमें आपको दिखाई जाती है, तो कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं और उसी में आप ये देख सकते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन था हमारा वो आपसे पूछा गया था, संस्थान एस से क्रम स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तरों स्नातक स्तरों को पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के बीच अनुपात है। क्वेश्चन को एक बार फिर बता रहे, संस्थान एस से क्रम स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर स्तरों से पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का बीच का अनुपात क्या है, डायग्राम आपको हमने बता दिया ऊपर, तो इसका जो डी था वो 19.14, ये बिल्कुल सही था। तो ये थे HP सेट 2017 का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर था पार्ट वन पेपर वन जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड का, रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर वन आपको हमने पूरा बता दिया। अगर आपको सब्जेक्टिव जो इसका क्वेश्चन पेपर है जैसे पॉलिटिकल साइंस वाले जो है उनके लिए हम आपको दे देंगे अगला पार्ट, हिंदी ज्योग्राफी के जो भी स्टूडेंट है जो इसके लिए स्टडी का या ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं चैनल पर। आप किसी भी स्टेट के क्यों ना हो आपको सेट के इसी में आएंगे, ठीक है। हिमाचल का इसमें आपने देखा होगा एक भी क्वेश्चन नहीं है, हिमाचल का आपको पेपर वन में जनरल पेपर जो है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का इसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसमें आपको क्वेश्चन नॉलेज हर चीज़ का आपको होना चाहिए, परंतु जो इसमें जो क्वेश्चन है आपको ये इसी प्रकार से आपको आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहेगा मेरे साथ इस चैनल पर, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।